ना भी करे लेकिन नॉर्मल तो शॉपिंग करे यार, जब तक दूसरे कपड़े में छेद नहीं होगा तब तक। हाँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वाले के साथ। गाइस मैं निखिल को लेके जा रही हूँ रेयर रैबिट, क्योंकि वहाँ पे शर्ट्स के इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है ना, बहुत मस्त लग रहा है ये शर्ट। वीडियो में अपने आपको देखोगे ना, यू आर लुकिंग फैब। और मैं पूछ लेती हूँ लोगों से कि कैसा लग रहा है ये सेट। नहीं, आज ही धागा लगाया है ना, नवरात्र उसकी वजह से लुक थोड़ा सा। 1 2 3 खूब करो। बर्थडे हो गया फाइनली काम खत्म। अरे वाह भाई, बहुत क्यूटी पाई लग रही हो अब तो। प्रिया जी तो लाई चो Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Swati Gurung and let's start today's vlog. So guys, आज का दिन शुरू करते हैं। कल का vlog आप लोग ने देख ही लिया था, मतलब पिछला vlog आप लोग ने देख ही लिया था कैसा था, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गए हैं। सो आज वही दिन है, सेम डे बट न्यू vlog. सो अभी मेरे पास कुछ वो आ रखा है मेरा सामान, तो ये मैंने बहुत पहले मंगाया था, 2 महीने पहले, ठीक है, एक इंस्टाग्राम स्टोर से। मेरे को से स्टिक ऑन नेल चाहिए, बट बाप रे ये 2.5 महीने बाद आया है मेरे पास। बट थैंक गॉड के दशहरी से पहले आ गया, मतलब दशहरे से पहले आ गया, क्योंकि मुझे ये यूज़ ही दशहरे से पहले करना था। तो मैं वो एक्चुअली वो कस्टमाइज नेल एक्सटेंशन बनाते हैं कस्टमाइज करके, जैसे आप लोग नेल आर्ट करवाने जाते हो, जैसे हम लोग नेल आर्ट करवाने जाते हैं तो हम लोग अपने पसंद का करवा सकते हैं ना, वैसे ही मैं कस्टमाइज वाला भी था, तो मैंने वो उससे मंगाया, बहुत अच्छा है। मेरी बहन ने मंगाया था पहले, तो उसी का देख के मैंने मंगाया, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक्चुअली में नेल एक्सटेंशन करवाया है, ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने स्टिक ऑन करा है। सो अभी मैं ये खोल के देखती हूँ कैसा आया है। सो आज का दिन शुरू करते हैं गाइज, एंड आज तो पहला ही नवरात्रि है, मतलब पहला दिन ही है। सो अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब आज तो काम भी नहीं चल रहा है, हमारा किचन ऐसे फैला हुआ पड़ा हुआ है। सो बोला तो था भैया ने कि 2 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, बट कल लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा मतलब काम रह गया, और काम रह गया उसकी वजह से वो रहता ही चला जाता है। आप लोग को पता है एक काम छूटता है तो उसके पीछे के 2-3 काम और छूट जाते हैं, तो वो नहीं हो पाया है। आज सुबह बस पेंट वाले आए थे, पुट्टी वुट्टी लगा के गए हैं, अब कल होगा पेंट। तो हमने मम्मी ने बोला फिर कल ही आना, तो कल आएंगे शायद से भैया लोग, और मे बी एंड होपफुली कल कंप्लीट हो जाए। वैसे तो बोला तो नवरात्रि तक, बट खिंच जाता है, जस्ट जो भी काम बोलो वो कभी भी कोई टाइम पे तो होता नहीं है। सो अभी मैं आप लोग को ये ओपन करके दिखाती हूँ क्या है इसमें, और आगे जो भी होगा वो भी मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी। सो गाइस अभी पता नहीं थप्पड़ मार दो ना बोलो तेरी। सो गाइज अभी पता नहीं अचानक से फ़ोन आ गया निखिल का कि रेडी हो जाना मुझे शॉपिंग करने जाना है, कि निखिल को जाना है एक्चुअली। मैं पता नहीं क्यों शॉपिंग ही नहीं करते भाई, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि लड़कियों की तरह शॉपिंग करते हैं, चलो लड़कियों की तरह ना भी करें लेकिन नॉर्मल तो शॉपिंग करें यार, जब तक दूसरे कपड़े में छेद नहीं होगा तब तक शॉपिंग नहीं करेंगे, नई शॉपिंग। सो अचानक से बोल रहे हैं कि शॉपिंग करने जाना है, तो फिर मैं फटाफट से रेडी हुई, मैं तो आराम से बैठी हुई थी, सब्जी वब्जियाँ की तैयारियां कर रही थी रात के लिए, फिर आज जल्दी भी आ गए, तो अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए निखिल, क्योंकि भाई लेते ही नहीं है, पता नहीं कैसे इंसान है, इनको बोलना पड़ता है। हम ला देते हैं तो चिढ़ते हैं कि तुम मेरे लोग मेरे पसंद का मुझे लगाने ही नहीं देते हो, बस अपनी पसंद का पहनाते रहते हो, और फिर जब खुद को बोलो कि जाओ भाई शॉपिंग करने चलो, यहाँ से सेंट्री हो तो यहीं से आएगा ना बुढ़ो आते टाइम पे। अच्छा तो क्या बोलते, हम ले दे तो प्रॉब्लम, हम ना ले दे खुद लो बोले तो वो भी नहीं लेना है। अभी पता नहीं कहाँ से दशहरी की वजह से शायद से, अब दशहरे में तो हर लोग नए कपड़े लेते हैं, तो इसलिए दशहरे की वजह से नए कपड़े लेने के लिए बोल रहे हैं। हाँ ठीक है मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज तो व्हाट इज दिस बिहेवियर मिस्टर गुरु क्या। सो गाइज मैं बाहर बैठ के वेट कर रही थी, निखिल अंदर ट्रायल रूम में ट्राई कर रहे थे, एंड देन फिर वो मुझे दिखाने वाले थे, और उनमें से मैं चूज करने वाली थी कि उनको क्या लेना चाहिए। Did not like it at all. So guys, ये वाला जो टी शर्ट अब शर्ट है जो भी है टी शर्ट शर्ट ये निखिल को बहुत पसंद आ रहा था, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा। हाँ
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वाले के साथ। ये शर्ट के साथ ट्राई करो तो ये वाला बैक। सो ये था दूसरा वाला प्रिंटेड आज कल बहुत चल रहा है शर्ट, तो ये निखिल को ट्राई करना था बट हमने यहाँ से कोई सा भी नहीं लिया क्योंकि इतना खास नहीं लग रहा था मुझे, और ये वाला तो सबसे बेकार लग रहा था मुझे। सो गाइज़ ये जो हनुमान जी का मूर्ति था इतना बड़ा था, पैसिफिक मॉल में लगा हुआ था, इस बहुत अच्छा लग रहा था, रफ एंड टफ़। फिर हम लोग जा रहे थे दूसरे H&M साइड में क्योंकि वहीं पे मिल रहा था जो हमें चाहिए था। गाइज मैं निखिल को लेके जा रही हूँ रेयर रैबिट क्योंकि वहाँ पे शर्ट्स के इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है ना, प्रिंट इतना सुंदर है। सो यहीं है H&M के बगल में, तो मैं H&M में भी घुसूँगी। बहुत मस्त लग रहा है ये शर्ट, भले ये पैंट के साथ अच्छा नहीं लग रहा है बट ये शर्ट सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पैंट के वही अच्छा लग रहा है। इधर देखो क्या डिफरेंस क्या है, ये कलर ज्यादा अच्छा है उससे, उधर वाले से पूछो क्यों, लाइटर बेज। हाँ, लाइटर, वो थोड़ा पुलिसमैन वाला लग रहा था। हाँ, लाइटर बेज बट गंदा जल्दी हो जाता है, पर बट ये कलर ज्यादा बेटर है भाई, वो पुलिसमैन टाइप लग रहा था बट मुझे ये शर्ट बहुत मस्त लग रहा है, ये ट्राई कर दे एक बार। प्रिंट बहुत मस्त है इसका, ये दोनों ठीक है ऐसा टाइप का कोई, बट ये शर्ट अच्छा लग रहा है यार बहुत, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ और शर्ट देख लो, तुमको अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। अगर तुम ये वीडियो में अपने आप को देखोगे ना, यू आर लुकिंग फैब। और मैं पूछ लेती हूँ लोगों से कि कैसा लग रहा है ये सेट। नहीं मत करो ये चीज, बट सच में बहुत अच्छा लग रहा है बड़ो। हाँ ठीक है, लुक फॉर योरसेल्फ क्या साइज। हाँ एक और थोड़ा साइज है, होगा क्यों नहीं होगा, मान क्या होता, ये कौन सा साइज था पता नहीं। इसको बाहर निकालो, ऐसे भी ये शर्ट वैसे अच्छा लग रहा है बट बाहर निकालो, बाहर निकल के बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा है, साइज की वजह से लंबा ही होता है इसको यहां तो, बट ये शर्ट अच्छा लग रहा है, ये भी इतना ही लंबा है बट वो अच्छा लग रहा है इससे मुझे, इसका मतलब इसका प्रिंट बहुत रिच लुक दे रहा है। पैंट तो मेरे पास ऑलरेडी है ना, पैंट तो है ऑलरेडी, पर्पल नहीं तुम्हारे पास ऐसा ब्लू भी तो था, वो कहाँ है, आई गेस वो गुड़गांव में है। वो सब पे सब टाइट है भाई, वो सब के साथ मैं ऑफिस के टाइम में पहनता था, उस टाइम पे तो मैं काफी पतला था, वही ये ब्लू जीन्स के साथ ही अच्छा लगेगा। और इधर बेच रुक जो एक आखिरी चीज करके दिखा क्या गाइस, मेरी पसंद बहुत अच्छी है, निकल बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। फाइनली गाइस फाइनली ही डिड सम शॉपिंग, एटलीस्ट कुछ तो करा, चलते हैं अब H&M। अच्छा ये वाला वॉच है, कौन सा वाला, वो सिल्वर। हाँ यस, मुझे ट्राई करना है कैसा लग रहा है मेरे हाथ में, तो मैं तो पता ही नहीं चलेगा क्या। नहीं साथ ही नहीं, ये धागे की वजह से आज ही धागा लगाया है ना नवरात्रों में, उसकी वजह से लुक थोड़ा सा, तो आप इसमें शिफ्ट कर लेंगे जब भी आप पहनोगे ना, धागा तो काट लेंगे। हैप्पी बर्थडे, आज कुछ नहीं है, सुतना जानचू रे, खाना खाना जानचू बना ना, स्वाति के लिए अच्छा मीठा खाना महिला, चलो भाई अलेसा में बस बस ही रह गए थे बेचारा, हमरो रह गए यही आएगा सीधा हमरो, यही उनके इसके साथ गए अपने आपनों को नहीं शॉपिंग करते हैं इसमें, चलो बोल चा हजुर अभी तो शुरू है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। क्या हो इसका खतरनाक, वन टू थ्री खूब मारो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
सुरे नानी हैप्पी बर्थडे अपने चिल्ला रहे हो अपने चिल्ला रहे हो पापा इले सबको लगान चाहिए वही खा रही है और वही लगा रही है सो गाइस हो गया हम लोग आ गए थे वहां से फिर दीदी का केक भी काटा आपे दीदी ने आज तो हमारा फास्ट दीदी जितों का फास्ट था जैसे मम्मी मेरा हम लोगों के लिए मंगाया था कुल्फी फालूदा तो हम लोग ने मैंने तो खाना खाने के बाद वो खाया बर्थ फास्ट खोला उसके बाद वो खाया पूजा वूजा करके अब खाना खा लिया है तो फटाफट सोना है क्योंकि कल बाजे ने बोला 7:30 बजे आएंगे भाई 7:30 बजे आएंगे तो इसका मतलब मुझे 6:30 बजे तक तो उठना ही पड़ेगा नहा धो के रेडी होके बैठना पड़ेगा सो गाइस या मिलती हूँ आप लोगों से कल अभी के लिए बाय गुड नाइट भगवती जगदम्बिका नव दुर्गा नव चंडिका शक्ति देवी नमः हरि ओम गंगाचदः पुष्पाणि समर्पयामि हो गया फाइनली काम खत्म फाइनली काम खत्म हुआ भाई अभी वैसे भी बचा हुआ है खिड़की बचा हुआ है आरओ आरओ वाला का भी फोन आ गया सो गाइस फाइनली हमारे किचन का काम भी खत्म हो गया समझ लीजिए बट अभी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो फिनिशिंग वाला काम है जैसे हम लोग को जो हमारा खिड़की है तो वो विंडो पुराना हो गया है तो हम सोचे कि उसमें पुराना इन द सेंस कि उसका जो जाली वाला ये वो है उसको हम लोग शटर वाला बनाने का सोचे हैं क्योंकि हमारे लिए ईजीली वो हो जाए राइट सो आजकल क्या होता है कि ना वो चटकनी वाले में बहुत प्रॉब्लम होती है इससे अच्छा बस स्लाइडिंग वाला बनवा लेते हैं तो वो बचा है बस और दो तीन चीज़ें बची है जैसे आरओ कनेक्शन गीज़र कनेक्शन तो वही सब चीज़ें बची है और तो कुछ नहीं बचा है गाइस बस उसके बाद फिर हम लोगों का काम ख़त्म एंड आज तो वैसे हमें किचन मिल जाएगा भैया के हाथ से तो फाइनली मैं आप लोग को बहुत जल्दी किचन टूर देने वाली हूँ सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइस जो भी बहुत सारी चीज़ें हमने करवाई हैं उसमें न्यू चीज़ें न्यू इन्वेंशन भैया ने पूरा एक्सपेरिमेंट ही कर दिया है तो एक्सपेरिमेंट नहीं बोल रही बट उनका तो ऑब्वियसली बात है उनका तो एक्सपीरियंस है तो हमारे लिए इट्स न्यू राइट सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू और अभी तो फिलहाल के लिए मैं अभी डिनर की तैयारी भी कर रही थी कि फास्ट भी खोलना होता है पूजा वूजा करके सो आप लोग को मैंने ग्लिम्स तो दे दिया है अब जो भी फाइनल लुक होगा वो किचन टूर में आएगा हेलो गाइस गुड मॉर्निंग और आज है नेक्स्ट डे सो आज का भी पूजा हम लोगों का सुबह सुबह आके बाजे जी ने करा दिया था सो आज का दिन शुरू करते हैं गाइस एंड आज है थर्ड डे ऑफ नवरात्रि और मैंने तो आज सिर्फ केला खाया आज तो मैंने कॉफ़ी भी नहीं पिया और बस केले से ही ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ना मुझे वैसे मुझे केला खाना पसंद नहीं है बट फास्ट के दिन पे मुझे मैं केला खाना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा होता है फिलिंग होता है और उससे गैस्ट्रिक वगैरह भी नहीं होती है तो मैंने केला खा लिया सो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए हैं अभी हम लोग का किचन तो कंप्लीट हो गया है बट अभी जो उसमें थोड़ा बहुत बच रखा है वो आज कंप्लीट हो जाएगा आज या आई गेस मंडे तक उसके बाद ही मैं वो किचन टूर दूंगी आप लोगों को यस आई गेस मंडे हाँ मंडे प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे तक सो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बस आके लगानी है उन लोगों को तो वो चीज़ें जब पूरा फिनिशिंग हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊँगी एंड क्या बोलते हैं आज का दिन तो मेरे को कुछ भी करने का मतलब कि कुछ भी नहीं है आज के दिन में सो मैं पागल की तरह ऊपर बैठी हुई हूँ आजकल मुझे पता नहीं क्यों टीवी भी देखने का मन नहीं करता है सो या बट आगे जो भी होगा वो मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी सो स्टे विद मी एंड मे भी शायद ये वाला वीडियो आप एक दिन बाद देखो क्योंकि ये वाला वीडियो मैं मेरे को आज अपलोड करना था बट आज मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं आज मेरा बिल्कुल ही मतलब मैं बहुत ही डाउन फील कर रही हूँ कि मैं को वीडियो एडिटिंग ये वो सो करने का मन नहीं कर रहा है सो
आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए राइट. सो वही मैं कर रही हूँ. सो आज का जो ब्लॉग है वो मैं कल डालूँगी. सो तो आप लोग जब देख रहे होंगे तो ये एक दिन लेट आएगा. सो या सो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं रिलायंस स्टोर, दिख रहा होगा आप लोगों को सामान लेने के लिए, क्योंकि हम नवरात्रे की जो फास्ट हम लोग खोलते हैं तो कन्या जमाते हैं तो उसमें चाहिए होते हैं ना, तो सामान घर के लिए वो लेने के लिए. उसके बाद हम लोग समायरा का प्रोग्राम देखने भी जाएंगे. सो हम आ गए हैं इधर. इतना सारा सामान, बहुत सारे कैंडल्स, ये सब चीज रखे हुए थे हमने. तो अभी दिया हमने ले लिया है क्योंकि दिया तो यूज़ हो ही जाता है. कैंडल वगैरह हमने नहीं लिया, वो हम लोग उसी टाइम पे लेंगे बाद में. हमने पैक करके दिखाने के लिए हमने गोल्डन स्टेनलेस स्टील मसाला डब्बा डब्बा ये वाला था रंदे लू, ये खोलना मुश्किल होंचा उस तो वाला चा टाइट भेजन चा. स्टील को ही होयो बस बाय मात बाहर देखी कोटिंग लागे चा. दिखा समायरा ला भाग गए ना सर, मायरा भाग गई. अरे अरे वाह भाई, क्यूटी पाई लग रही हो अब तो. उधर जाता, इधर से बनाती हूँ मैं, यही यही खड़ा रहे. ये रुक जा, तेरी फोटो खींचती हूँ. सब लोग रेडी हो रखे हैं, सुंदर लग रहे हैं सब लोग कलरफुल ड्रेस में. अच्छा ये रही थे प्रिया जी, लग रहा है भाई आलता तो वहाँ पर. ऊपर तो देख समायरा, ऊपर तो देख, ऊपर देख लो, वहाँ देखो, ऊपर देख पहले. ओ आ गई, आजा आजा क्यूटी पाई, दूसरी क्यूटी पाई. वो लगा रही हूँ आलता जूनी करना. ऊपर तो दे, स्माइल कर स्माइल. ना ना यो आराम ले बच्चा. कौन से गाने में डांस कर रहे हो? अच्छा चौगाड़ा तारा. अच्छा फिर से एक और बार, एक और बार कर दे. करो अब एक बार और ले दो जना ले कर दे फिर बार. प्रिया जी जिस लाई छो तो बुरा आयोजन किया गया है कार्यक्रम को. पूरा
सो गाइज़ यहाँ पे हम सबको खड़ा करा था एंड दो मिनट के लिए मौन व्रत रखने के लिए बोला गया था, क्योंकि जो केस हुआ है हमारे उत्तराखंड में एक नर्स लेडी के साथ, तो आप लोगों ने वो केस सुना ही होगा। सो उनके लिए रखा था ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर वालों को इंसाफ। ओम शांति शांति शांति। दो घंटा वेट करने के बाद अब समय का डांस आ रहा है, ये लोग भाग रहे हैं। अब दो घंटा, 6 बजे बोला था प्रोग्राम, 8:30 बजे हो रहा है। प्लीज कम ऑन द स्टेज रमा जी, कलाकारों को मंच पर ले आइए। मेरा दिखा लो, मेरा दिखा लो ना। अच्छा क्या मिला? टॉफी की ट्रॉफी दिखाओ भाई ऐसे करके, ये रुक जा, ट्रॉफी लेके आई है भाई, तेरी फोटो खींचो। सो गाइज हम लोग आ गए हैं वहां से प्रोग्राम से और हम लोग ने देख लिया डांस भी, आप लोग ने भी देख लिया होगा समायरा का डांस। तो गाइज अब मैं ये ब्लॉग कहीं पे एंड कर रही हूँ और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर पराठा, क्योंकि आज फास्ट है। सो मतलब फास्ट तो अभी 9 दिन तक किया है, तो अभी ऐसी चीजें ही बनेंगी हमारे घर में, वेजिटेरियन एंड ऊपर से ऐसी चीजें जिससे प्याज लहसुन कुछ ना डलता हो। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ये ब्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू दिन के साथ। सो आज का दिन भी खत्म हो गया और आज का ब्लॉग भी खत्म हो गया, और आज का ये जो ब्लॉग था ये आज आना था बट अब ये कल आएगा। सो आई एम रियली सॉरी गाइज, एंड प्लीज 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 कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।